ये जो केस है दरगाह हुसैन शाहवली का 1654 एकड़ का केस है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और कमेटी जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में जीती और उसके बाद हाई कोर्ट में भी जीती, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में है भी केस पेंडिंग है और केसीआर साहब जो है सो ये ज़मीन रिलीज करने का वादा करे हुए असेंबली में, मगर इसमें वक्फ बोर्ड ये कमेटी के दो मेंबर और मुतवल्ली साहब जो है सो इस पर इलीगल ट्रांजेक्शन करे और किसी को जो है सो जीपीए दिए हुए और एमओयू करे हुए दो तीन डॉक्यूमेंट क्रिएट करे इसमें, लोगों को उनको समझ में जैसा आ रहा है वहाँ बेच ले रहे खा ले रहे, मगर ये उनकी जाति जायदाद नहीं है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये दरगाह को जो है सो दिए सो है उन कोई पट्टा लैंड नहीं है ये, तो ये लोग क्या कर रहे बोले तो कौम को धोखा दे रहे लोग, ये कौम की जायदाद है, इनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट सेक्शन बुक करो बोल के मैं वक्फ बोर्ड में एक दरख्वास्त दिया 2014 में एक दरख्वास्त दिया था, उसके बाद वो वक्फ बोर्ड वाले पहले का जो वक्फ बोर्ड था उन लोग उस पर अमल नहीं करे, उसके बाद मैं हाई कोर्ट को गया जाके एक WP डाला, उसका नंबर है 23121/2014, उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड कोई एक्शन में नहीं आया, फिर मैं अभी जो है सो 18 जुलाई 2017 को सलीम साहब के हाथ पे एक दरख्वास्त दिया अमल करो बोल के, उस पर सलीम साहब जो है सो उस पर एक्शन लेंगे बोल के वादा करे हुए और सलीम साहब से उम्मीद तो है कि उन्होंने ये चीज़ पे एक्शन लेंगे, अब हमारा यही मुतालबा है। और आज जो है सो एक दो तीन दिन पहले भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें जो है सो आज जितने कौम के लोग हैं जितने मुसलमान बच्चे जो मेरा वीडियो क्लिप देख के लाइक करे, मेरे को खुद ताजुब ये हो रहा कि न्यू जनरेशन को वक्फ के बारे में इतना मालूम हो गए, ये खुशी ये बात की है। करने का मकसद क्या है? ये प्रेस मीट करने का मतलब ये है कि एक तो ये जायदाद हुकूमत की तरफ से और उस पर जो इलीगल ट्रांजेक्शन जो मुतवली उनके जो दो बेटे करे हुए उन पे एक्शन लेके उन लोगों को सस्पेंड करना। जब से वक्फ बोर्ड में सलीम साहब बैठे वक्फ के प्रॉपर्टी पे काफी एक्शन ले रहे, उसके बाद आप बताने के बाद में आपको क्या बोलेंगे? सलीम साहब वादा करे कि ये दरखास्त पे एक्शन लेंगे, इन लोगों को जो है सो क्रिमिनल केस बुक करेंगे, इन लोगों को सस्पेंड करेंगे बोल के सलीम साहब वादा करे हुए, और सलीम साहब से आपका जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है उससे हमारे को एक उम्मीद है कि ये काम होगा, बल्कि ये गवर्नमेंट में काम होगा, KCR गवर्नमेंट में काम होगा। आपसे इसका क्या रिलेटेड है इसका जो इशू? मैं इसका डिवोटी हूँ और 2005 से जब से ये दरगाह हुसैन शाहवली का काम चल रहा है हर चीज़ में मेरे आँखों के सामने हुआ सो है, मैं भी इसमें कई चीज़ें मदद करे हुआ हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अफजल अहमद खान। कितनी जमीन है दरगाह हुसैन शाहवली? 1654 एकड़ जमीन है। टोटली बेच दिया ना? हाँ पूरा टोटली बेचे हुए इसमें। मुतवली बेचे सो? हाँ मुतवली उनके दो बेटे बेचे सो। क्या नाम है? सैयद शाह सफीउल्लाह हुसैनी और जानी हुसैनी गेसुदराज हुसैनी।